हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मोइजिन चैनल में। आज हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 189 के बारे में। अभी तक आपने अगर इसके पहले वाले 188 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जो कि आई बटन पे एज इट इज आपको मिल जाते हैं, जाके उन चीजों का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो, साथ ही साथ इस एपिसोड को पूरा देखो और आपका एक फेवरेट मोमेंट कमेंट डाउन भी कर देना। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 189। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहाँ पर बिजली कड़कती है, तूफान आता है और ये लोग समझ पाए उसके ही पहले एक लेजर ब्लास्ट सीधा ही ट्रंक्स के ऊपर आ जाता है, जिस वजह से ट्रंक्स दूर जाकर मर चुका है। अब जहाँ इन लोगों को अंदाजा हो जाता है कि इस तूफान के अंदर और कोई नहीं, वो है सेल। और अब सेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है, जो कि अपने पुराने अंदाज में वापस आ चुका है। और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत भी होती है। अब सेल को देख कियान, यामचा और साथ ही साथ क्रिलिन भी बहुत ज्यादा शॉक में है, और वेजिटा भी कह रहा है कि ये तो नामुमकिन है। जहाँ पर गुहान को भी वो दिख चुका है, जहाँ अभी वो कहता है कि तुम लोगों को अंदाजा नहीं है तुमने क्या किया है। जहाँ पर अभी अनाउंसमेंट करता यानी रिपोर्टर कह देता है कि सेल वापिस आ चुका है, तो आखिरकार क्या अब हम मर जाएंगे। वो जो अजीब से बालों वाला लड़का है वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सेल वापिस आ चुका है। अब ये देखकर वेजिटा, गोहान और साथ ही साथ ये सारे लोग तो परेशान दिख ही रहे हैं। तभी वहाँ पर किंग काय कहते हुए नजर आते हैं कि एक्चुअल में वो जो सेल था वो अपने प्लेनेट पर जिंदा ही था, जहाँ पर तुम्हें लगा कि वो मर गया है। जहाँ गोकू कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ पर वो कहता है कि भाई हो सकता है कि शायद से उसके पास जो रीगेन पावर है उससे शायद से वो फिर से गेन हुआ होगा। जहाँ पर इधर डेंडे हमें देखने को मिलता है बहुत टाइम बाद, जहाँ वो बहुत ज्यादा चिंतित है। तभी उसे मिस्टर पोपो आके पूछते हैं कि डेंडे आखिरकार चल क्या रहा है, जहाँ पर डेंडे कहता है कि ये जो सेल है ये मरा ही नहीं, लेकिन गोकू अभी मर चुका है, जो कि सेल वापस आ चुका है इन लोगों को मारने के लिए। जहाँ पर सेल अभी खड़ा है और वो कहता है कि हे बच्चे, तुम्हें लग रहा था ना कि तुम मुझे मार सकते हो, तो अब तुम मुझे मार के दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे जो पिता है वो तो ना समझ निकले गोकू, जो कि उसे मैं दूर जाकर फेंक चुका हूँ। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी उस तरह से ना समझ हो या नहीं ये अब पता चल जाएगा। इधर किंग काय को याद आता है कि अरे नहीं, वो जब बड़ा हुआ था और ब्लास्ट हुआ था तो उसका कुछ अंश बच गया होगा स्पेस में। जहाँ पर इधर ये सेल भी कह देता है कि मेरा कुछ अंश बच गया था स्पेस के अंदर, जिस वजह से मैं उससे ही रीगेन हो सका। जहाँ हम देखते हैं कि स्पेस के अंदर जैसे ही वो प्लैनेट फट गया, लेकिन सेल का कुछ अंश बच गया था जिससे वो धीरे धीरे करके रीगेन होने लगा। पहले अजीब से शेप में आया, फिर उसका हाथ आया, फिर उसका पैर, इस तरह से वो धीरे धीरे करके पूरा सेल में तब्दील हो गया, जो कि पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर भी था। और हाँ, जब गोकू ने उसे ट्रांसपोर्ट किया यानी टेलीपोर्ट किया यहाँ से वहाँ, तब उसे वो टेक्निक भी आ गई, इस वजह से वो वहाँ से तुरंत वो टेक्निक का यूज करके इधर तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। जहाँ तुम्हें लग रहा होगा कि अब मेरे पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन अब तुम लोगों से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ मैं, तो कौन लड़ना चाहेगा। जहाँ गुहान कहता है कि मैं ही लड़ूंगा, और वो बहुत तेजी से अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तभी वेजिटा भी शॉक में है, ये लोग भी देख रहे हैं। और अभी गुहान कहता है कि तुमने मेरे डैड का यूज किया, तो अब तुम्हें तो मरना ही होगा। वैसे ही वो आगे आने लगता है, तभी इधर वेजिटा जो है वो ट्रंक्स को देखता है और ये लोग भी चिल्लाते हैं कि शायद से ट्रंक्स जिंदा है। जहाँ पर ट्रंक्स थोड़ा सा हिलता है और मुंह से खून की उल्टी कर देता है। ये देखने के बाद उधर क्रिलिन और यामचा, टियान ये लोग भागते हुए जाते हैं उसके पास। और तभी वेजिटा को याद आता है, ये जो मेरा बेटा है उसे मैं बचा नहीं पाया, इसके पीछे का सिंपल राज गोकू ही है, कैकारोट की वजह से ही मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। जहाँ हम देखते हैं कि गोकू गायब हो गया था, उसके बाद ही वापिस आया है सेल, और आते ही उसने लेजर ब्लास्ट मेरे बेटे के ऊपर किया, जिससे मेरे बेटा यहाँ पर मर चुका है। अब ये सारी जिम्मेदारी कैकारोट और सेल की ही है, जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इधर गुहान भी मारने के लिए रेडी है, लेकिन वेजिटा सुनता कहा है। वेजिटा ने अपनी एनर्जी पूरी बढ़ा ली है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आता है, जो कि सीधा ही उड़कर मारने जाता है सेल को। ये देखकर ये सारे लोग हैरान हैं, जो कि कहते भी है कि वेजिटा नहीं, लेकिन वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन में और सीधा ही मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो कि सेल के पास जाता है और कंटिन्यू उसके ऊपर हमला किए जा रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत तेज तेज रोशनी वहाँ पर गिर रही है, जहाँ ये इतने
सारे ब्लास्ट है और वेजिटा रुकने का नाम नहीं ले रहा और सामने हम बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट देख रहे हैं, जहाँ पर वेजिटा कंटिन्यू अपने दोनों हाथों की बदौलत एक के बाद एक एनर्जी ब्लास्ट किए जा रहा है सीधा ही सेल के ऊपर, जहाँ वो रुकता ही नहीं है, कंटिन्यू मारे जा रहा है। तभी यहाँ पर ये अनाउंसमेंट करता रिपोर्टर कह देता है कि क्या आखिरकार अब सेल का अंत हो जाएगा, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये वाकई में दर्दनाक मंजर है जो कि मैं देख रहा हूँ। जो माइक को देखता है और उसे याद आता है कि माइक तो चालू ही नहीं है, वो माइक को दूर फेंक देता है। अभी भी वेजिटा रुका हुआ नहीं है, कंटिन्यू वो एनर्जी ब्लास्ट किए जा रहा है। अब वो रुक जाता है, थोड़ा सा थक जाता है जो कि ऊपर आ जाता है, और ये देखकर क्रिलिन भी बहुत ज्यादा शॉक में है, जो कि वेजिटा को कहता भी है कि तुम क्या पागल हो गए हो, तुम क्या हमें खत्म कर देना चाहते हो, थोड़ा तो रुक जाओ। जहाँ पर वेजिटा रुका हुआ था लेकिन अभी फिर से ब्लास्ट करना चालू करता है, वो भी ऊपर से। वो अभी कंटिन्यू एनर्जी ब्लास्ट मारे जा रहा है इस सेल के ऊपर, जहाँ वो बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट मारने के बाद अब पूरी तरह से थक चुका है, जो कि रुक जाता है। इधर टियान और यामचा ट्रंक्स पे पास बैठे हुए हैं और ये जो लोग है यानी हरक्यूल रिपोर्टर और उसके पंटर, वो लोग कैसे तो करके अपनी जान बचाकर वहीं पर बैठे हुए हैं, जहाँ अभी गुहान कह देता है कि सेल से बचो, और सेल सामने ही आ चुका है जिसने एक मुक्का मारकर वेजिटा को नीचे फेंक दिया गया है। अब इधर ट्रंक्स देख रहा है, ये लोग भी देख रहे हैं, जहाँ पर सेल कहता है कि तुम नासमझ जैसे क्यों लड़ते हो, किसमें हिम्मत है, आओ मुझे मारने के लिए और मेरा सामना करो। और अब सेल ने एक लेजर ब्लास्ट चला दिया है जो कि वेजिटा को मारने वाला है। ये देखकर गुहान जो है वो दूर जाकर भागते हुए वेजिटा को बचाने के लिए पहुंच चुका है, जहां पर हम देखते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि गुहान को हिट कर चुका है, और ये जो सारे पंटर हरक्यूल लोग है, ये सारे लोग एक पर्वत पर जाकर गिर चुके हैं, जहाँ पर उन्हें चोट भी आ चुकी है। अब ये देखकर सेल कहता भी है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो गुहान, तुम ऐसे सुपर सैयन कैसे हो सकते हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। जहाँ हम देखते हैं गुहान को वाकई में बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है एक हाथ के ऊपर, जिससे उसका खून भी बह रहा है। जहाँ पर सेल के सामने वो अभी भी खड़ा है और वो कहता है कि अभी भी मैं उससे लड़ूंगा। जहाँ पर इधर पिकलो कह देता है कि क्या सेंसबीन है किसी के पास, जहाँ ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पास तो सेंसबीन ही नहीं है। जहाँ पर अभी गुहान रेडी है उससे हमला करने के लिए और वो उठ खड़ा होता है, जहाँ पर वो कहता भी है कि मैं लड़ूंगा तुमसे, मेरे डैड का बदला भी मैं ही लूंगा। इधर ट्रंक्स मर चुका है, वेजिटा की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी है, और सेल बिना टाइम वेस्ट किए कहता है कि अभी तुम्हें लग रहा है ना कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारा खेल ही यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ, जो कि सीधा ही दोनों हाथ पीछे ले जाकर कामेहामेहा मूव चलने वाला है। अब क्या ये कामेहामेहा मूव से हमारा गुहान क्या बच पाएगा, या फिर सेल का ये आखिरी बार होगा इन लोगों को खत्म करने के लिए, जानने के लिए हमें देखना होगा ड्रैगन बॉल जी का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।